नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है और अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार की रात आबू रोड आए। उन्होंने कहा कि मैं इस प्यार को सूद समेत वापस लौटाऊंगा। रात के 10 बजने के कारण उन्होंने लाउडस्पीकर पर लोगों को संबोधित नहीं किया। उन्होंने जनसभा में आई जनता को घुटनों के बल बैठकर 3 बार नमन किया। मोदी जैसे ही पहुंचे, पूरा पांडाल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। मंच पर आने के बाद प्रधानमंत्री ने माइक पर बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि रात के 10 बज चुके हैं और नियमानुसार माइक का उपयोग नहीं किया जा सकता। मेरी आत्मा कहती है कि मुझे नियम कानून का पालन करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने बिना माइक के वहाँ मौजूद भीड़ से कहा कि मेरे लिए आप लोग यहाँ इतनी देर बैठे रहे और मैं देर से आए, इसके लिए क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जल्द ही वापस आऊँगा। इसके बाद प्रधानमंत्री ने 3 बार घुटनों के बल बैठकर मंच से जनता को प्रणाम किया। फिर मंच से उतरकर जनता के बीच पहुँचे और करीब 10:25 पर वे हेलीकॉप्टर से वापस रवाना हुए। वे गुजरात के अंबाजी में दर्शन के बाद कार द्वारा आबू रोड आए। करीब 21 किलोमीटर के इस रास्ते में जगह जगह लोगों की भारी भीड़ मौजूद थी। सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने उनका अभिवादन किया। ये पूरा रास्ता आदिवासी इलाका है, ऐसे में ज़्यादातर लोग आदिवासी समुदाय के थे। आबू रोड शहर में पीएम का काफिला पहुंचने के बाद लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पूरे रास्ते को रोशनी से सजाया गया था। सड़क के दोनों ओर खड़े लोग जयकारे लगाते रहे। कई जगहों पर भाजपा की ओर से केंद्र सरकार से जुड़ी योजनाओं की झांकी भी सजाई गई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए आबू रोड में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, तो SPG के अलावा प्रदेश पुलिस के करीब 2500 से अधिक जवान चप्पे चप्पे पर तैनात थे। मानपुर हवाई पट्टी पर बनाए गए सभा स्थल पर भी लोगों को भारी जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। पूरे शहर में ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया और जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए। हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, माननीय गुलाब जी भाई साहब, माननीय गजेंद्र जी भाई साहब, माननीय राजेंद्र जी भाई साहब, कैलाश जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि बड़ी माला पहना करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। पहुंचने में देर हो गई, अब 10 बज गए हैं, तो मेरी आत्मा कहती है कि मुझे कानून नियम का पालन करना चाहिए और इसलिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं दोबारा यहां फिर से आऊंगा और आपका ये जो प्यार है उसे मैं ब्याज समेत चुकता करूंगा। भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।